जो PCOS जर्नी थी वो शेयर की, मतलब मैंने, अब मुझे जल्दी से जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। मैंने ओवुलेशन किट यूज की थी अपना ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए। मैंने फर्टिलिटी किट यूज, हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या, सो कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड आज का व्लॉग मैं काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, अभी 9 बजे का टाइम है। एंड सुबह से ऐसा कुछ नहीं था कि मैं व्लॉग शूट करूँ, बट अचानक से हम तीनों का बाहर जाने का प्लान बन गया, मैं और मेरे दोनों भाई। सो मैंने कहा कि चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड काफ़ी दिनों के बाद में हम तीनों एक साथ में थे। सो बस अभी हम आ चुके हैं बाहर एंड अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ में नहीं जा रहे थे। आज फ्राइडे है एंड इस टाइम पे उनका ऑफिस रहता है, एंड मम्मी बेटू के साथ में थी, सो दैट हम तीनों ही जा रहे हैं। एंड गाइज, आज मुझे आपके साथ में काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है, जो कि आपकी कन्फ्यूज़न है, जो मेरी प्रेगनेंसी से लेकर के कि फर्टिलिटी किट, ओवुलेशन किट, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लिया, सो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ में क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। एंड मैं आपके साथ में कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, और इस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कितनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। सो दैट आप व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, एंड मैंने सारी चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर की हुई हैं। एंड हम पहुँच गए हैं अभी मॉल में, एंड हमने कहा चलो पहले थोड़ा सा खा पी लेते हैं, क्योंकि भाई ऑफिस से आया था एंड उसके आने के बाद में ही हमारा प्लान बना था, और घर आके भी उसने कुछ खाया पिया नहीं था। सो हमने कहा कि चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं एंड फिर इसके बाद में अपनी जो चीज़ें लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, वो करते हैं हम। बट क्या आज चीज़ें ना लेट लेट होती नहीं, एक तो प्लान हमारा काफ़ी ज़्यादा लेट बना, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, और ना जब काफ़ी दिनों के बाद में ऐसे मिलो ना तो बातें होने लगती हैं, और हम काफ़ी देर तक ऐसे बातें करते रहे, तो वो टाइम कब निकला ना वो पता ही नहीं चला, ये सही बात है। एंड फिर इसके बाद में हमने सिज़लर्स खाए, घर से ही हमारा प्लान था कि हम सिज़लर्स खाने ही आए हैं, सो वो सारी चीज़ें खाई एंड फिर इधर थोड़ी मस्ती की, इधर उधर की बातें की, एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सो हम शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि देख रहे हो आप स्टोर्स ऑलमोस्ट सारे क्लोज हो चुके थे, एंड जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी हो रहे थे, सो शॉपिंग करने का तो कुछ बनता ही नहीं था। फिर इसके बाद में कहा हमने कि चलो चलते हैं, एंड आप लोग देख रहे हो कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। एंड ना इस तरीके से मैंने पीछे से एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया आपके साथ में, जिसमें मोस्टली मेरे से लोगों ने पूछा हुआ है कि मैं अपना हेयर केयर कैसे करती हूँ, क्या डिलीवरी के बाद में मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। तो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब मेरे बाल ना आधे भी नहीं बचे हुए हैं। एंड ये चीज़ें जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उस टाइम से ही मेरा हेयर फॉल हो रहा है, एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा हेयर फॉल हुआ है। डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा कम हो गया था, मतलब एक महीने ऐसा रहा कि मेरे बाल ठीक ठीक हो गए थे, अब मुझे लग रहा था कि इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन अभी वापस से बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पहले से भी ज़्यादा है। एंड अभी हम आ चुके हैं घर, और ना हवा इतनी फ्रेश चल रही थी, ठंडी ठंडी, वो मतलब ठंड नहीं लग रही थी, एक जो फ्रेशनेस होती है ना उस तरीके से फील हो रही थी। एंड मैं घर जा कर के वापस से नीचे तुरंत पार्क में आ गई थी, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं लेट जाऊँगी ना तो फिर मेरा जो आज का वॉक है वो स्किप हो जाएगा, सो दैट मैंने अपना कुर्ता भी नहीं चेंज किया, बस मैंने प्लाजो डाला हुआ है, एंड मैं आ गई थी वॉक करने। एंड फिर इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। सुबह 4:30 बजे का टाइम है, एंड अभी मैं बेबी का फॉर्मूला बना रही हूँ। सो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। सो इस तरीके की बॉटल में ना रात को मैं पानी बॉयल करके एंड उसको मतलब नॉर्मल हल्का सा करके रख लेती हूँ, एंड ये जो नैन प्रो है ये मैं यूज़ करती हूँ। अभी ये नंबर 1 है, ये अप टू 6 मंथ्स के लिए होता है, देन इसके बाद में 2 आएगा, 3 आएगा, एंड इसको बनाना थोड़ा सा इसको ना एकदम रेशियो वाइज रखना होता है, मतलब या तो आप 30 ml बनाओ, 60 ml बनाओ, 90 बनाओ, इसके अलावा कोई इसमें रेशियो नहीं चलता है। अगर आप 30 बनाओगे तो 1 स्पून डालोगे, 60 बनाओगे तो 2, जैसे कि मैं यहाँ पे 90 डाल रही हूँ, बना रही हूँ तो 3 डालूंगी। अभी ऐसा नहीं कि मेरी बेटी को 40 पीना है तो मैं 40 बनाऊँ, नहीं, मुझे 60 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस तरीके से रेशियो रहता है। एंड ये 400 ग्राम का आता है एक डिब्बा, एंड जिसका प्राइस है वो 760 रुपीज़ है, एंड ये मैक्सिमम मेरा 6 डेज़ एंड मिनिमम मेरा 5 डेज़ ही चलता है। सो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि और ना ये क्या थोड़ा बहुत तो बचा भी देती है, मतलब कि अगर इसको 90 हम बना रहे हैं तो कभी वो 70 ही लेती है, कभी 90, मतलब इस तरीके से रहता है, तो काफ़ी सारा वेस्ट भी होता है। सो जो फॉर्मूला मिलकर वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है। एंड बॉटल जो है वो मैं फ़िलिप्स का यूज़ करती हूँ, ये मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, एंड ये 3 मंथ्स वाली ही है, बट मैंने वापस इसके वही ली थी,
एक जो सेट है मेरा वो यूज़ हो चुका है, अभी मैं दूसरा सेट यूज़ कर रही हूँ और ये देख रहे हो इसकी कितनी सारी मस्ती चल रही है। एंड ये है मेरे भैया, एक्चुअली दोनों ही मेरे मासी के बेटे हैं, एक बड़ी मासी का है एक छोटी मासी का है। सो ये भैया रात को आया हुआ था, देन उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और अभी इसके ना जाने का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। सो बस वहाँ पे उसने अपनी ओला बाइक वगैरह बुक की है, उनको जाना था स्टेशन, एंड ईशू को जाना था अपने फ्रेंड से मिलने, वो अभी नहीं जा रहा है। एंड फिर इसके बाद में इसने पॉटी वगैरह कर ली, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन की। एंड ये डेली पॉटी नहीं करती है, ये ऑल्टरनेट डेज पे करती है। और देखो हमारे यहाँ पे होली की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, गुजिया बन रही हैं। ईशू घर से आया ना तो मेरी दादी ने काफ़ी सारा खोया भेजा हुआ था एंड मेरी मौसी ने गुजिया भी भेजी हुई थी, लेकिन अब मुझे गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो तो मैंने ऑलमोस्ट खा ली है। एंड अभी यहाँ पर जो दादी ने खोया भेजा था उसकी बन रही है, एंड मम्मी की हेल्प की है प्रीति ने, मतलब प्रीति ने आज बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जितना सारी चीज़ें थी उसने ही इस तरीके से वो जो लोई बना करके फिर उसको बेल के गुजिया वगैरह फिल की, सारा काम उसने किया। एंड मम्मी मतलब इन दोनों ने मिल करके बहुत सारी चीज़ें की। एंड मैंने आज कुछ भी नहीं किया क्योंकि ना वैसे मेरी बेटी रोज़ मालिश के बाद में सो जाती है, अगर मालिश के बाद में नहीं सोती है तो वो नहाने के बाद में सो जाती है, लेकिन ना तो वो आज मालिश के बाद में सोई ना नहाने के बाद में सोई, तो उसको पूरा टाइम लेकर के रहना पड़ा क्योंकि मम्मी के पास में इतना सारा काम था कि वो आज उसको टाइम नहीं दे पाई। एंड इवन जब मैं ये क्लिप्स वगैरह भी शूट करूँ ना तो भी मैं उसको गोद में लिए थी, मुझे ये लग रहा था कि चलो घर में कुछ बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो मैं शूट कर लेती हूँ। तो गुजिया और नमक पारे हमारे यहाँ पे बन चुके हैं, मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी। फिर इसके बाद में मैंने नहाया था, तो हमारे यहाँ पे ना कुछ भी मीठा बनता है तो पहले मंदिर में माता रानी को, कान्हा जी को, मतलब सारे भगवान जी को भोग लगाया जाता है, तो बस मैं वही करने आई हूँ। एंड चलो मैं आपको मंदिर के दर्शन भी करा देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से हो गए मैंने अपने व्लॉग में अपने मंदिर के दर्शन नहीं कराए, एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं इस तरीके से आप लोगों को अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ, एक पॉजिटिविटी आ जाती है मुझे अंदर से। हेलो, आज के पूरे ब्लॉग में मैंने वॉइस ओवर किया है, सो दैट मैंने सोचा कि चलो अभी ऑन कैमरा आके आपसे बात करती हूँ एंड इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, एंड मुझे कुछ चीज़ें भी क्लियर करनी है सो वो भी मैं आपके साथ में करती हूँ। सो बस जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ, शायद से मेरी बेटी रो रही है, एक मिनट। क्या हुआ गुदा? हाँ हाँ है। ये थोड़ा सा अभी परेशान करी, परेशान क्या, वो काफ़ी देर से खेल रही है तो अभी उसको चाहिए कि कोई से बात करे, तो मैं जल्दी से आपकी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो अभी बस मैंने जस्ट नहाया है एंड फिर इसके बाद में, और मेरे साथ में ना मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से करूँगी, बट वो अभी चीज़ें लेट हो रही हैं, उतना टाइम से नहीं हो पा रही। एंड जब घर में कोई आ जाता है ना तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बैठ के बात कर लो, सो इस तरीके से आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया एंड फिर चीज़ें वगैरह बनने लगी तो मम्मी भी बेबी को देख नहीं पाई तो मुझे ही रहना पड़ा। एंड मेरे को कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी कि मेरे पास में ना एक ही क्वेश्चन भर भर के आता है कि आपने फट सॉरी वो मेरी बेटी थोड़ी सी ज़्यादा रोने लगी थी तो मैं उसको मम्मी के पास में देने गई थी। सो अभी मैं आपकी चीज़ें क्लियर करती हूँ। मेरे पास में ना एक ही क्वेश्चन भर भर के आता है कि आप कौन सा फर्टिलिटी किट यूज़ की थी आपने, कितने का मिला आपको, कैसे मिला, सारी चीज़ें कैसे यूज़ की थी आपने, और मैं इसका इतना ज़्यादा रिप्लाई कर चुकी हूँ, मतलब मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ लेकिन वापस से वही क्वेश्चन आ जाता है। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ। एंड ये चीज़ मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ कि मैंने कोई किट नहीं यूज़ की थी, मैंने ओवल्यूशन किट यूज़ की थी। आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो, मैंने फर्टिलिटी किट यूज़ नहीं की थी, मैंने ओवल्यूशन किट यूज़ की थी अपना ओवल्यूशन ट्रैक करने के लिए, एंड वो मैंने एक बार पहले भी यूज़ की थी एंड उस टाइम पे भी मेरा ओवल्यूशन हो रहा था, एंड जब जिस मंथ मैंने कंसीव किया सो उस मंथ मैंने यूज़ की थी और उस टाइम पे भी मेरा ओवल्यूशन हो रहा था। एंड वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, मेडिकल शॉप में, मैंने ऑनलाइन ली थी, आप किसी भी तरीके से यूज़ कर ले सकते हैं। एंड उसको नॉर्मल जैसे हम प्रेगनेंसी किट यूज़ करते हैं वो सेम उसी तरीके से होती है, बट आपको जैसे प्रेगनेंसी में होता है हमें मॉर्निंग का यूरिन से उसको चेक करना होता है, लेकिन इसमें हमें आफ्टरनून का लेना होता है, सो उस तरीके से चेक करना होता है। एंड अगर आपको कोई ये कंसीव करने की जल्दी नहीं है तो आप उसको ना लें, मैंने सिर्फ ये देखने के लिए लिया था कि हाँ मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं मतलब उस चीज़ में जल्दी से मैं वर्क करूँ ताकि मैं और जल्दी कंसीव कर सकूँ, क्योंकि मुझे फिर उस टाइम पर था कि आप मुझे जल्दी से जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। सो मैंने कोई भी फर्टिलिटी किट यूज़ नहीं की थी, मैंने हाँ उनसे अपॉइंटमेंट लिया था, उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज़ दी थी, डाइट चार्ट दिया था, जो कि सारी चीज़ें मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ,
अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक PCOS एंड प्रेगनेंसी करके मिल जाएगा, एंड वहाँ पे आपको सारी जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर की हुई हैं, कि मैंने क्या डाइट ली थी, मेरा फर्स्ट ट्रेमेस्टर कैसा था, सेकेंड कैसा था, थर्ड कैसा था, जो मेरा डिलीवरी का पूरा स्टोरी है वो मैंने शेयर की है, जो मैंने कंसीविंग स्टोरी शेयर की है, मेरे अर्ली सिम्टम्स शेयर की है प्रेगनेंसी के, एंड मेरी जो PCOS जर्नी थी वो शेयर की है। मतलब मैंने थ्रू आउट सारी चीज़ें जो मेरे से हो सका है, मतलब जितना मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं और मुझे आपके साथ में वो शेयर करनी है, सो मैंने थ्रू आउट सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर की हैं, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे में से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको वही रिप्लाई कर दूंगी, अदरवाइज अगर थोड़ा सा ज़्यादा कि हाँ अभी मुझे इसे डिटेल में बताना चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। एंड रही कि मैंने अपॉइंटमेंट कैसे लिया था, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप उनके चैनल पर जाएंगे, आपको वहाँ पे उनका नंबर मिल जाएगा, आपको सिंपल उस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आप कोई भी हाई लिख करके एक मैसेज डाल देंगे, देन आपके पास में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको इस तरीके से गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते, GPA फ़ोन पे एंड बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी वापस से रो रही है, तो आप उस तरीके से बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एंड फिर आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके वापस से उसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है, फिर आपको एक टाइम मिलेगा कि हाँ एक डेट और टाइम कि इस डेट को आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपके पास में उनका कॉल आएगा, एंड उसे फिर जिस दिन उनका कॉल आना होगा उस दिन एक आपको और मैसेज आएगा कि अगर आपके पास में कोई रिपोर्ट्स वगैरह है तो आप वो भी सेंड कर दो, मेरे पास मैसेज कोई रिपोर्ट नहीं थी। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने उनसे कंसीव करने के लिए कॉन्टैक्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ मुझे अपना PCOS ठीक करना था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये चीज़ें नेचुरल तरीके से ठीक हो गई तो मैं ईजिली कंसीव कर लूँगी, मुझे कंसीव करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, सारी प्रॉब्लम मेरी PCOS से थी, एंड उसे भी मैंने बिना किसी दवा के ठीक किया है नेचुरल तरीके से एंड अच्छी सी डाइट फॉलो करके। सो या एंड मेरा उनके साथ में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, वो मुझे नहीं लगी कि वो फेक हैं, एंड मेरी उनसे बात भी हुई है, सो जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो उनसे कंसीव नहीं हुआ, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया था, मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनकी रेमेडी फॉलो की थी, तो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती है, शायद से मेरी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं थी या मेरे अंदर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी चीज़ें हों मतलब मुझे कंसीव हुआ, सो मेरा जो फीडबैक है उनके लिए वो तो अच्छा जाएगा ही, और वही मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी, अभी भी आपको कुछ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो या इस वाले व्लॉग को मैं एंड करूँगी क्योंकि अब मैं गुजिया खाने जाऊँगी, जबकि अभी मेरे यहाँ पर गर्मा गर्म रखी हुई है एंड अभी तक मैंने टेस्ट नहीं की है, एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कल कि उसका टेस्ट कैसा था। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडे, इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर ये थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए।